तो भाइयों आपने अनपढ़ों का नाम सुना? अनपढ़ों का नाम नहीं ना सुना, जब देखा नहीं हो तो अभी सुन सकते हो। तो वैसे मैं जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता हूँ, भारत के मुकुट से बिलोंग करता हूँ, महाराजा रंजीत सिंह की धरती से बिलोंग करता हूँ, जिन्होंने 370 दफा वहाँ पे लगा के हमें अपने राइट्स प्रोटेक्शन करने के लिए 370। एडवोकेट भी अनपढ़ होते हैं जी, हमने पहली बार सुना। एडवोकेट बनने के लिए बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन इस अनपढ़ को ये नहीं पता कि 370 तो 1930-40 में महाराजा हरि सिंह ने लगाई थी कि कोई बाहर से बंदा जमीन ना ले सके। और जो रंजीत सिंह था वो 1840 में उसकी डेथ हो गई थी। और दूसरी बात इसने की कि आप खुद देख सकते हो कि इसने बोला कि महाराजा रंजीत सिंह की धरती से बिलोंग करता हूँ। मुझे ये बताओ, रंजीत सिंह जो था वो पंजाब का था, और अगर वो रंजीत सिंह जम्मू कश्मीर की धरती से बिलोंग करता तो जम्मू कश्मीर पे उसने हमला क्यों किया? जम्मू कश्मीर पर महाराजा रंजीत देव सिंह जम्बाल का राज था, और जम्मू को बसाने वाले जम्बाल राजपूत राजा जम्बू लोचन थे। तो वो कैसे आ गए? इनके जो 50 साल जब इन्होंने कब्जा करने की कोशिश की, अगर जम्मू कश्मीर इनका होता तो बिंबर के जो महाराजा थे उस वक्त राजा सुल्तान खान चिब क्यों लड़ते, उसके बाद रजौरी के जरार राजपूत राजा क्यों लड़ते, और जगती नगरोटा जम्मू के मियां डिडो क्यों लड़ते? इन तीनों से लड़ाई हुई है जो अपनी ज़मीन के लिए लड़े, क्योंकि राजपूत डोगरा राजपूत जहां के राजा थे। तो आप मुझे बताओ, बीच में इनका 50 साल के लिए कब्जा हो गया, तो इन्होंने उस कब्जे में भी महाराजा गुलाब सिंह को ही अपना राजा बनाया। उसके बाद महाराजा गुलाब सिंह का राज आया, उसके बाद 5 पीढ़ी बाद महाराजा हरि सिंह का राज आया। बीच में रणबीर सिंह आए, बीच में अमर सिंह आए, सभी राजपूत थे। और महाराजा हरि सिंह ने लास्ट में जब 1947 आया तो उन्होंने 370 लगाई। जी हम नहीं बोलते, कश्मीर की जो बड़ी पार्टी है महबूबा मुफ्ती भी यही बोलती है। इसके अलावा भारत में ही नहीं, पीओके पाकिस्तान में भी लगी हुई है। पीओके जो आज का जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, वहाँ पर भी कोई पाकिस्तान पंजाब का बंदा पीओके में ज़मीन ही ले सकता है। 370 उधर भी लगी हुई है, और वो लोग सभी महाराजा गुलाब सिंह का झंडा उठाए हुए हैं, जो झंडा हमने अपनी डीपी पर लगाया है। सभी लोग उनको मानते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, किसी भी धर्म के हो, लेकिन इस अनपढ़ जाहिल को कोई इतिहास नहीं पता कि जो कौन किसकी धरती से है। ये धरती डोगरा राजपूतों की है, इस अनपढ़ को पढ़ाओ। कोई कहाँ से वकील बन गया, पढ़ाई लिखाई कर लेता तो अच्छा रहता। तो आप सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि इन अनपढ़ों को कैसे वकील बना देते हैं लोग। अगर आप सभी चाहते हैं कि हम क्षत्रिय समाज की लड़ाई और हो रही इतिहास चोरी की लड़ाई पर ऐसे ही अपनी बेवाकी से आवाज़ उठाते रहें, तो आप सभी वीडियो के स्लाइड में एक ऑप्शन होगा थैंक्स, थैंक्स के जरिए आप सभी हमारी मदद कर सकते हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बेवाकी से खुलकर क्षत्रिय समाज की हो रही इतिहास चोरी और क्षत्रिय विरोधी लोगों को मुंह तोड़ जवाब देते रहें।